आविष्कारों की दुनिया बड़ी ही अजीब है, और उतनी ही अजीब है नवाचार की कहानी भी। विचारों में दृढ़ता और दूरदर्शिता ही नहीं, जज्बा और धैर्य भी जरूरी होता है कुछ नया कर गुजरने के लिए। बात चाहे भारत द्वारा विश्व को दिए जीरो की हो, या शतरंज की हो, या फिर हो मिट्टी से जुड़े नवाचार की, या आसमान को छूते नवाचार की, हर उपलब्धि को छूने के लिए हौसला चाहिए। कच्चे रास्ते पक्के इरादे में आज हमारा रुख है गुजरात के जूनागढ़ की तरफ, जहां हमें मिलेंगे नवाचारी अमृत भाई अग्रावत, और देखेंगे जानेंगे उनके नवाचार स्टॉपर वाली गरारी को। जब मैं 7 साल का था, तब हमारे पिताजी का अवसान हुआ, और हमारे माँ और हमारी बहन, हम 3 लोग घर में रहते थे। तो हमारी माँ किसानों के खेत पे मजदूरी करने के लिए जा रही थी, और मैं हमारे गांव की शाला में पढ़ रहा था। मैं चौथी गुजराती पढ़ रहा था। बाद में मैंने सुझाव आया कि हमारी माँ जो हैं वो अकेली मेहनत करती हैं, तो मैं भी उसके साथ जुड़ जाऊं। मैंने हमारे शिक्षक के पास से रजा ली कि भाई हमारे पढ़ाई नहीं करनी। शिक्षक ने कहा कि भाई अब पढ़ो। मैंने कहा कि मैं कब पढ़ूं, हमारे पढ़ाई नहीं करनी। गांव कस्बे में ही नहीं, बल्कि कुछ समय पहले तक शहरों में भी कुओं से पानी निकाला जाता था, और कुओं से पानी खींचने में बहुत मेहनत लगती थी। इसका एक कारण है कि गरारी को एक बार खींचना शुरू करने पर उसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन आज अमृत भाई के नवाचार ने इसमें लगने वाली मेहनत को बहुत कम कर दिया है। मैंने पुली बनाई कुएं से पानी खींचने के लिए। वो मुझे कैसे विचार आया कि हमारा गांव का कुआं था, वहाँ से हम निकले तो हमारा गांव का एक माँ घर में अकेली रहती थी, और पानी भी अपने आप भरना पड़ता था, तो कुएं पे पानी खींच रही थी। तो मैंने देखा वो माँ की उम्र 80-85 साल की थी, वो बार बार वो थकान खा रही थी, थोड़ी खींच के थकान खा रही थी। 8 बार थकान खाई माने। बाद में बाल्टी ऊपर आई, मैंने देखा, और वो विचार मुझे पुली बनाने का आया, और मैं घर पे आया। मैं मेरे बेटे को भरत को बुलाया, बात की, तो उन्होंने भी सहयोग दिया, हम दोनों मिलके पुली बनाई। जो पुली की शुरुआत की हमने, तो अलग अलग पहले तो पुली ले आई, और पुली में अलग अलग तरीके से हमने जो रस्सी लगाई, और स्टॉप कैसी वो ऑटोमेटिक और चालू कैसे वो बहुत तरीका अपनाया। दो तीन दिन लगे, रात में भी काम करते रहे, और लास्ट में जो स्टॉपर का आइडिया आया कि भाई एक स्टॉपर लगा दे रस्सी पर तो वो पुली सही हो सकती है, और बाद में हमने उस पर काम किया। अमृत भाई ने स्टॉपर वाली गरारी के 2 मॉडल तैयार किए। पहले मॉडल का नाम है गंगा, और दूसरे मॉडल का नाम है यमुना। गंगा मॉडल एक शाफ्ट प्रकार का है, और यमुना मॉडल एक रोलर प्रकार का है। पहले मॉडल में व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि रस्सी को वापस कुएं में जाने से रोका जा सकता है, और दूसरे मॉडल में कुएं से पानी खींचने वाला व्यक्ति भी स्टॉपर का उपयोग करके बीच में पुली को रोककर आराम कर सकता है। पुली पर स्टॉपर रख दी,
इस टॉपर से जो दोरी है रुक जाती है, इसलिए जो पानी खींचने की जो बाल्टी है वो वहाँ रुक जाती है और थकान आराम से खा लेता है। दोरी खींच रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से थकान खा के फिर से चालू कर देती थी। हमने दिल्ली में एक बात सुनी है इस पुली की कि इस टॉपर बनाने में 2000 साल लग गई। पुली तो है, इस टॉपर बनाने में 2000 साल लग गई, बाद में टॉपर बनी है, इस एक प्रोफेसर ने कहा था। तो वो तो मुझे पता नहीं कि कितने साल से थी कितने साल से नहीं थी, हमने तो बनवाया, हम तो माजी के लिए बनाई। खेत खलिहानों के बीच से सिर पर और कमर पर गगरी रखे गांव की गोरी मन तो मोह लेती है, पर उस गगरी को भरने की मेहनत वही जान सकता है जिसने कुएं से पानी भरा हो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा घरेलू काम के लिए कुओं से पानी निकाला जाता है। पुराने जमाने की पुली जो शारीरिक रूप से बहुत प्रयास मांगती है, इसके लिए अभी भी उपयोग में है। अत्यधिक अनियमित वर्षा, शुष्क क्षेत्रों में पंपों और बोरिंग की स्थापना ने जल तालिका यानी वाटर टेबल को और भी नीचे कर दिया है। वो पुली में वही फायदा है बहनों के कि जब उसके थकान खानी हो तो रस्सी छोड़ देना और थकान खाने के बाद फिर से चालू कर देना, तो उसमें आसानी मिली। और दूसरा ये फायदा हुआ कि हाथ माथे जब रस्सी छूट जाती थी तब वो बहनों का पैर में वो रस्सी आ जाती थी और बहन गिर जाती थी, अने कितनी बहनों कुआं में भी गिर गई थी, वो उसका कारण था। वो भी काम अच्छा हुआ, और दो काम अच्छा हुआ है। अमृत भाई का यह नवाचार कुओं से पानी खींचने की इन समस्याओं का साधारण समाधान खोजने में सफल रहा है। गंगा और यमुना पुलियों को प्रयोगात्मक आधार पर गुजरात के कई गांवों में स्थापित किया गया और वहां के लोगों और गैर सरकारी संगठनों से काफी प्रशंसा मिली है। हमारे बाजू में गांव है माड़िया तालुका का, वो हमें 10-15 साल से हमें परिचित है अमृत भाई से। अमृत भाई ऐसा मानस है कि बार बार वो कोशिश करते रहते हैं, इसमें 45 साल से हमें जुड़ा हुआ है गांव में, नए नए पर बार बार करते रहते हैं। वो पोली के गाँव में अंदाजी 10-12 साल हो गए, हमें लोक दिया गया है, कोई बड़ी उम्र की महिला है, कोई माजी है, इसको पानी खींचने में दिक्कत हो तो बीच में गम्मे त्यारे ये थोड़ा थाक खा ले रुक रुक के, इसमें ये सरलता है। इसके अलावा वो गांव में सभी लोग के साथ इसका मिलना जुलना बहुत, व्यवहार बहुत अच्छा है, इस पर कोई मानस आ रहे कोई बगाड़ नहीं करता है वो, लेकिन मिलना जुलना अच्छा, खेडूत ने बार बार मिलता रहता है, वो बता रहा है कि भाई यह सही है, वो सरल काम है। टेंट करने की मैं मना की थी पुली की, क्योंकि वो यूज करता है ना जो सामान्य लोग करते हैं, तो मेरे पेशेंट को क्या करना, हमें किसी मेरा जो बस बनाने का खर्चा कितना इतना मैं पैसा लेता, उसमें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस पुली हमारी संस्था द्वारा हर राज्य में भेजी है, 25-50, 100 सभी राज्यों में हमारी संस्था ने हमारे पास से लेकर वहाँ भेजी है, वो लोग को जहाँ यूज करते थे वहाँ दी, लोग को यूज करने लगे। पेटेंट की मना में क्यों की,
जो हमने पेटेंट मिली और हमारा संशोधन का कीमत हुई, लेकिन उसका खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, भाव डबल लेना पड़ता है, वो क्या करे। हम यहाँ से बनवा के लोगों को दे देते बस इतनी, और मुझे संतोष है पुली का। सच पनघट पर पानी भरती गांव की गोरी रंग बिरंगे कपड़ों में एक छवि होती है गांव के जिक्र के साथ। खेत खलिहानों के बीच से सिर पर और कमर पर गगरी रखे गांव की गोरी मन तो मोह लेती है, पर उस गगरी को भरने की मेहनत वही जान सकता है जिसने कुएं से पानी भरा हो। हाँ। अफ्रीका 2002 के साल में गए, वहाँ वेंडा सिटी है, वह यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ हम गए थे, वहाँ रुके थे, और मेरे पास जितना औजार की शोध थी वो औजार वो जो बच्चों पढ़ाई कर रहे थे उसके पास में बनवाया और उसको सिखाया। वो दो तीन प्रधानमंत्री ने वो जो मेरी शोध थी उसका परिचय दिया सभी को और बोला कि वही शोध करनी है, वो पाया की मूल की शोध है, उस शोध का विकास जरूरी है वो बोला था, वो वाना केंद्र प्रधान बोला था। मेरे साथ मुरली मनोहर जोशी जी था, अनिल के गुप्ता भी जी था, और हमें गुजरात के तीन कारीगर थे वहाँ थे, हमने बहुत जानकारी मिली करके। वहाँ से पूरे विश्व के लोग आए थे, वो सभी की बात हमने सुनी, हमने मुझे अच्छी लगी, अने सभी लोगों ने जो खेत उत्पादन की बात की, खेत में से उत्पादन कैसे करते हैं, कैसे मुश्किलें होती हैं, कैसे सरल पड़ता है, वही बात ऊपर मुझे बहुत बहुत मजा आ गई। अमृत भाई ने अपने अनुभव से गांव के लोगों की समस्याओं को हल करना सीख लिया है। उन्होंने करीब 7 और नवाचार भी किए हैं जो महत्वपूर्ण हैं कृषि और गांव के लिए। एक मैंने साथी बनवाया, साथी वो एक खेत औजार है, किसान लोग उसके साथी बोलते हैं, वो बेलों से चलती है, वो पहले लकड़ी की थी, तो लकड़ी की साथी एक थी और काम तो किसानों को बहुत था, तो मैंने एक लोहे की साथी बनवाई और एक साथी से 15 प्रकार के साथी बन सके। एक मूंगफली निकालने का पहिए वाला यंत्र बनाया, बेलों से चलने वाला, उससे आसानी से मूंगफली निकलने लगी। 5वां संशोधन है गेहूँ बोने का बॉक्स, वो हमारा गेहूँ का बॉक्स सारे सौराष्ट्र में किसान लोग उसका यूज करते हैं और आसानी मिलती है। 6ठा मैंने एक बैलगाड़ी बनाई। बैलगाड़ी क्यों बनाई, एक किसान के खेत पे मैं बैलगाड़ी चला रहा था, दिन भर मैंने बैलगाड़ी चलाई, शाम को मैंने बैल को बैलगाड़ी से छुटा किया और हमारी नज़र बैलों के गर्दन पर पड़ी, तो मैंने देखा बैलों के कंधों पे एक इतनी बड़ी गांठ हो गई थी और उसमें से लहू निकल रहे थे। मैंने सोचा क्यों लहू निकले, क्यों गांठ हुई, कैसे हुई, उसका क्या कारण, वो विचारने लगे। 2 मास मैंने विचार किया, बाद में सोचा कि सही बात है कि 2 पहिया गाड़ी में है और दूसरी बैलों के कान पर रहती है, मतलब आधा बोझ 2 पहिया पर होता है और आधा बोझ दूसरी पर होता है, बैलों के कान पर होता है, मतलब बैलों से 2 काम करना पड़ता है, एक तो बोझ खींचना और दूसरा बोझ उठाना, वो मुश्किल सी वो गांठ हो गई। बाद में बहुत प्रयत्न किया तो 3 साल के बाद मैंने एक आरोही बैलगाड़ी बनाई, वो बैलगाड़ी से बैलों को बहुत आराम मिला, वो कंध पर बिल्कुल कोई नुकसान ही नहीं और किसानों को काम डबल मिला। आज का उनका नवाचार कई चरणों से गुजर कर इस स्तर पर पहुंचा है। 2 बार पुरस्कार मिला है हमारी संस्था की वजह से और 1 बार राज्य सरकार के वजह से पुरस्कार मिला है, 3 बार मुझे पुरस्कार मिला है और 3 राष्ट्रपति के हाथों से मेरा सम्मान हुआ है, पहले अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल
और प्रणव मुखर्जी, और तीन राष्ट्रपति के हाथ हमारा सम्मान हुआ है, मुझे संतोष है। वो मैंने माना कि भाई हमारा सम्मान नहीं है, वो किसान का सम्मान है। हालांकि अमृत भाई के सपने यही नहीं टिके हैं, अभी भी आगे बढ़ने की ताकत और नवाचार की दुनिया में कुछ नया दिखाने का जज्बा दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। उनका मानना है कि इस नवाचार ने उनकी जिंदगी बदल दी है, जो झलकता है उनकी दिनचर्या में। बेहतर कल की आशा में, अभिलाषा में बंजारों की तरह जिंदगी जीने वाला इंसान धरती का सहारा लेकर स्थिर जीवन जीने की लालसा में इंसान से किसान बन गया। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या परिवार की जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए? संघर्ष के समय को परिवार कैसे याद करता है? बेटा कौन सी राह पकड़ना चाहता है? हम जो काम कर रहे थे मेरी वर्कशॉप में, तो मैंने किसी दिन भरत को नहीं बोला कि यू कर, वो बोलते थे कि पिताजी यू करे यू करे यू करे, मैंने कहा ठीक। ऐसी तरह से मेरी पास सभी कामगिरी भरत ने जान ली, तो मुझे पसंद आई कि हम बोल के वो करते हैं तो वो अच्छा नहीं है, वो बोल के जो करते हैं ना वो ही अच्छा है। वो मेरा अनुभव है, खुद अनुभव है। आप बच्चों को सिखाओ, नहीं सीखे, अपने आप जो सीखते हैं तो ही आगे निकलते हैं। इतना फर्क है, वो किसी ने अनुभव नहीं किया, मैंने अनुभव किया है। ऐसी तरह हमारे बच्चे ने हमारे पास से पूरा ज्ञान जान लिया, और हम जो कर रहे थे उसे तीन गुने काम में वो आगे निकल गई, वो मुझे संतोष है। बस इतना ही हमारी जिंदगी में मैंने पूरा संतोष मिला। तो मेरा पिताजी का जो पहली बार सम्मान हुआ, तभी ऐसा एहसास हुआ कि हमें तभी पता चला कि हम सिर्फ संशोधक के हिसाब से हम संशोधक हैं, इनोवेटर हैं। तो जहाँ समस्या उत्पन्न होती है वहाँ उसका सॉल्यूशन निकाले, हमें टेक्निकल रीच से तो मेरे पिताजी को पहले से आइडिया है, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसा करते थे। और मैं मेरे पिताजी के साथ बचपन से ही इसमें रुचि रखता था, मैं 10वीं तक ही पढ़ा और मेरा पिताजी के साथ ही काम करने में आगे जुड़ गया। एक हमारे यहाँ बोली जाती है कि भाई माता होती हैं तो वो बच्चे के 100 शिक्षक के बराबर की वो उसको ज्ञान बांटती हैं एक माता। तो मेरा भी ऐसा हुआ कि मैं जो छोटा था तब से इसमें लगा हुआ हूँ, तो मेरा पिताजी 100 शिक्षक के बराबर ही मुझे ज्ञान बांटा, और मैं आगे बढ़ता गया और मैंने आज 10 संशोधन नए किए। सृष्टि क्या है और किस तरह से सहयोग दिया अमृत जी को? एक बात मैं खास कहूंगा, वो मुझे पसंद आया कि हमारी जो सृष्टि संस्था है अहमदाबाद, वो दर 6 मास में एक शोध यात्रा का प्रयोजन करती है। दर 6 मास एक शोध यात्रा होती है, एक साल में 2 शोध यात्रा होती थी। वो पूरी यात्राओं में मैंने भाग लिया, एक भी यात्रा न छोड़ी। तो इसलिए हमें एक तो वो फायदा हुआ कि भारत दर्शन पूरा हो गया। अब बहुत मुश्किल है क्योंकि एक एक राज्य में 8-8 दिन चल के वो यात्रा मुझे बहुत सही लगी, अने जो गांव-गांव के लोगों के पास हमें घूमे तो सभी किसान वहाँ आते थे, कारीगर आते थे,
बहनों आते थे, भाइयों आते थे, बच्चों आते थे, तो उसके पास जो सूझबूझ थी वो भी मुझे जानकर मिली, वो भी मुझे पसंद आया। अने इतनी इतना आनंद के साथ मैंने पूरा भारत दर्शन किया, मुझे बहुत मज़ा आई है। जो जिंदगी में पहली मज़ा हमारी है तो हमारी शोध यात्रा, हमारी सृष्टि संस्था के शोध यात्रा, वो पहली है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की सहायता से जहां एक तरफ नवाचार को पहचान मिलती है, वहीं बाजार मिलने की भी गुंजाइश रहती है। तो कैसे करती है ये संस्था सहायता नवाचारियों की? संस्था का सहयोग मिला था, पैसा का भी सहयोग मिला था, और प्रचार प्रचार में भी हमने चारों संस्थाओं का सहयोग मिला था। हमारे जहां जो फंक्शन होता है, मीटिंग होती है, वहाँ बुलाते हैं, वहाँ हमें हमारा मॉडल लेके जाते हैं, वो प्रचार भी हमारा वर्कशॉप पर अच्छा हुआ। और आज आज की तारीख में सारे दूर दूर से किसान लोग यहाँ खेत औजार लेने के लिए आते हैं, वो मुझे संतोष है। बेहतर कल की आशा में, अभिलाषा में बंजारों की तरह जिंदगी जीने वाला इंसान धरती का सहारा लेकर स्थिर जीवन जीने की लालसा में इंसान से किसान बन गया। लेकिन दूसरों का पेट भरने वाला किसान अपनी सूझबूझ, मेहनत और दूरदर्शिता से, आंतरिक समझ से नवाचारी भी बन गया, जो प्रेरणा है हर उस व्यक्ति के लिए जो करना तो बहुत कुछ चाहता है, समझता भी सब कुछ है, बस पहला कदम बढ़ाने का ही डर लगता है। दसवीं कक्षा पूरी की तब से मैं इधर पे लग गया, बापू को पूछ कर कि मैं यहाँ काम करने आ सकता हूँ, तो उसने कहा कि कुछ बात नहीं, तो आज आ सकते हो। और मेरा यहाँ पे कितने 10-12 साल हुए हैं काम करते हुए, और मैं पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हूँ इसमें। मुझे भी ऐसा लगता है जो यहाँ पे काम करते थे मानस अगले 6-7 जने, उसने उसको कार्यबल बना कर वो लोग अपनी खुद वर्कशॉप लगाई थी। मेरे भी मन में ऐसा विचार है कि मैं भी आगे जाकर कभी ना कभी वर्कशॉप अपनी लगाऊंगा। आज तक हमारे पास से मेरे पिताजी और मेरे पास से 9 से 10 ऐसा लड़के आए हैं, उसने अपनी वर्कशॉप भी खोल रखी है और वो अपने आप आत्मनिर्भर हो गए। मैं यहाँ पे 4 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं जब पढ़ने जाता था तो मैं स्कूल से जब निकलता था तो यहाँ पे देखता जाता था, यहाँ पे कुछ नया नया इनोवेशन होता रहता था। तो मैंने मेरे पापा को बताया कि मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, और मेरे पापा ने फिर कहा कि अभी थोड़ा पढ़ ले, बाद में वहाँ पर काम करना। तो फिर मैंने 12वीं कंप्लीट करने के बाद मेरे पापा को बोला, तो उसने कहा ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर काम स्टार्ट किया, और काफ़ी सारे यहाँ पे इनोवेशन और सब कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे पैसे तो मिलते हैं, लेकिन मेरे को क्या था, काम यह सीखना जरूर था, पैसे का तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि पैसे तो बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो सीखने को मिलता है वो कभी बाद में किसी जगह से नहीं मिलेगा। और अगर किसी जगह पे काम मिल भी जाएगा, कोई पैसे तो क्योंकि आराम से मिल जाएंगे, तो काम भी दूसरी जगह पे मिल जाएगा, लेकिन कहीं पे भी ऐसा सीखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे नवाचारियों को तो एक ही संदेश है कि इरादा पक्का होना चाहिए, चाहे रास्ता कच्चा ही क्यों ना हो। एक ऐसा नवाचार जिसने दंग कर दिया हर देखने वाले को, राजकोट के मोरबी गांव में जन्मे मनसुख भाई वांकानेर गांव में रहते हैं, और इनका नवाचार जुड़ा है मिट्टी से, जिसका नाम है मिट्टी कूल।
हमारे साथ मौजूद है सीमा द्विवेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। देखिए, जिम्मेदारी कोई भी हो, जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है जी। मैं 1995 में राजनीति में आई और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कानून आया था, उसके तहत महिलाओं को चुनाव लड़ना था। तो 91 में मेरी शादी हुई, 95 में चुनाव आया, तो मेरे पति काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MD कर रहे थे और हम छुट्टियों में गांव आए हुए थे। तो एक हमारे जनसंघ के बड़े बड़े कार्यकर्ता थे पंडित सीताराम तिवारी जी, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, हम सोचते हैं कि सीमा द्विवेदी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि कोई महिला मिल नहीं रही है। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ सिर्फ DD किसान पर। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल, न्यूज, DD भारती, DD इंडिया, DD उर्दू और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साई नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है, इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। नुकसान जब खेती के साथ करेंगे दूसरे काम, बढ़ेगी आय, हर मौसम में बनेगी बात। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों के लिए है वरदान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश एकीकृत कृषि प्रणाली, 27 अगस्त शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। बदलते भारत की शान।